Hello, bachelor. Let's read the question. The wire shown in the figure carries a current of 40 ampere. The magnetic field at O is 0.94 millitesla. What is the radius of the bent wire? यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में हमें जो वायर दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ ये सर्कुलर आर्क हमें दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इतनी वैल्यू दी हुई है, हमें रेडियस ऑफ द बेंट वायर निकालना है। तो रेडियस इसकी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस। अब देखो यहाँ पे सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस बेंट वायर की वजह से ही होगी जो सर्कुलर आर्क है, बिकॉज ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना छोटे छोटे ये वाले, इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बिकॉज ये इसके लाइन पर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, उसका फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू में आई बाय आर इनटू थीटा। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर आर्क सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा क्या आ जाएगा? 360 में से अगर 90 में माइनस कर दूँ ये वाला एंगल मिल जाएगा मुझे, ये हो जाएगा 270 डिग्री। यानी कि ये जो सर्कुलर आर्क है सेंटर पे 270 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। रेडियन में कैसे निकालेंगे? 270 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर आर्क है 3 पाई बाय 2 रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई बाय आर इंटू में 3 पाई बाय 2, ये आएगा 3 म्यू नॉट आई बाई 8 आर, पाई से पाई कैंसिल हो, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब देखो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? 0.94 मिलीटेस्ला। तो पहले हमें निकालना क्या आर, तो आर को हम इधर ले आते हैं, टी म्यू नॉट आई बाई 8 बी, वैल्यूज पुट कर दो, टी इंटू में 4 पाई इंटू में 10^-7, आई की वैल्यू हमें दी हुई है 40 एम्पियर, 8 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.94 इंटू में 10^-3 टेस्ला। ठीक है, मिलीटेस्ला दे रखा था, 0.94 इंटू में 10^-3 लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 202.68 इंटू में 10 की पावर देखोगे -7 और -3 ऊपर जाएगा तो +3, क्या आएगा 202.68 इंटू में 10^-4 मीटर। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी 0.02068 मीटर। ठीक है, 10^-4 को मैंने इसमें ऐसे लिख लिया बेसिकली करके। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.02 मीटर हो गया, यानी कि इसको हम 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द बेंट वायर कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।